हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सिटी क्रिएटिव आइडिया चैनल। तो देखिए फ्रेंड्स, स्क्रीन पर जो आपको प्लांट दिख रहा है ये बहुत लंबा है, मेरी हाइट से बहुत ऊंचा है और आज का मौसम बहुत अच्छा है। अभी सुबह के 11 बजे हुए हैं, धूप नहीं थी बिल्कुल भी सुबह से, अभी जस्ट धूप निकल गई है। ये देखिए, ये है ड्रेसिना फैमिली का प्लांट है, इंडोर प्लांट है और मेरे हिसाब से तो ये आउटडोर भी चल जाता है। मेरे गार्डन में ऐसे बहुत सारे प्लांट हैं जो मैं टेरेस पर ही रखती हूँ और वो माना जाता है या बहुत से लोग कहते हैं कि वो इंडोर प्लांट है, बट देखिए मेरे तो टेरेस पर रखा है सालों साल से, 2.5-3 साल से ज़्यादा हो गया, सब ऊपर ही रखे हैं। और कुछ प्लांट देखिए इसमें लगे हुए हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए सामने स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, एक ये प्लांट है, एक ये है, तो डिफरेंट वैरायटी के इसमें होते हैं। मेरे पास दोनों तरह के हैं, इस वाले भी हैं और ऐसे वाले भी हैं, तो मैंने इनको अलग अलग जगह ग्रो कर रखा है, छोटे से छोटी चीज़ में और बड़ी से बड़ी चीज़ में। छोटी सी बोतलें हैं, आप देख रहे हो, पेप्सी वगैरह की, लिमका वगैरह की जो भी बोतल आती है, माजा फ्रूटी, उन सब में ग्रो कर रखा। और ये एक पानी की बोतल थी जो नीचे से डैमेज हो गई थी, तो मेरे हस्बैंड ने ये मेरे लिए ले ली थी। तो मैं आज इसी प्लांट के बारे में आपको कुछ बताने वाली हूँ, केयर और टिप्स। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक प्लांट को निकाल लिया है, आपको दिख रहा है इसमें काफ़ी सारी रूट है। तो मैं ऐसे 3-4 प्लांट एक पॉट में लगाने वाली हूँ, तो मैं सारे प्लांट निकाल लेती हूँ फिर आपको बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने सारे प्लांट बाहर निकाल लिए हैं और कुछ प्लांट निकालते टाइम उनकी रूट भी डैमेज हो गई है। ये प्रॉपर निकल गया है बट इसमें से कुछ प्लांट टूट गए हैं। और ये देखिए, कुछ प्लांट जो टूट गए थे तो मैंने उनकी कटिंग शिफ्ट कर दी है उस वाले पॉट में, इसमें से और उसमें से मैंने सारे प्लांट निकाल लिए हैं, एक प्लांट छोड़ा है बस वहाँ पर, ठीक है। तो मेरा पॉट देखिए, पॉट में मैंने बिल्कुल नीचे छेद कर रखा है, आपको दिख रहा है। और ये जो साइड में पड़ा है फ्रेंड्स, ये है रेत, ठीक है। नीचे आप थोड़ा सा रेत डाल सकते हो या पत्थर डाल सकते हो या लीफ डाल सकते हो, तो मैं सब कुछ डालकर आपको बता रही हूँ। ये देखिए, रेत डालने से ये क्या होगा कि जब भी हम इसमें वाटरिंग करेंगे फ्रेंड्स, तो वो वाटर आराम से निकल जाएगा, ठीक है, इसमें पानी भरा नहीं रहेगा, निकल जाएगा। तो ये देखिए, कुछ कटिंग भी आज मैंने लगाई है, उन्हीं कटिंग पे से मैंने लीव्स वगैरह कट की है मेरे गार्डन में। हस्बैंड भी एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए, मेरे हस्बैंड ने, जिसे जेट रोफा बोलते हैं, मैं इसे रतन ज्योत बोलती हूँ, तो उन्होंने इसकी कटिंग लगाई थी, बट देखिए इस पे फ्लावर हैं कितने सारे, उन्होंने कटिंग देखी नहीं ठीक से और कहीं से भी कट कर दिया। तो सारे लीव्स मैंने इसमें डाल दी है और मैं इसमें मिट्टी डालने वाली हूँ 50% 30% के करीब मैं इसमें डालूँगी अपना रिवर सैंड बहुत सारा चाहिए, क्योंकि पानी इस प्लांट को कम चाहिए और पानी बिल्कुल ठहरना नहीं चाहिए, ड्रेन आउट हो जाना चाहिए, ऐसी मिट्टी बनानी है हमें। और बाकी हिस्सा हम इसमें कंपोस्ट डालेंगे, आपके पास कोई भी खाद हो वो मिला सकते हो, जैसे कि पत्तियों की खाद, वर्मी कंपोस्ट, कंपोस्ट और पता नहीं क्या क्या आते हैं, वो सब आप इसमें कुछ भी मिला सकते हो अपने अकॉर्डिंग। और देखिए, मैंने इसमें लिया है एक मुट्ठी नीम की खली है, DAP है और ये फंगी पाउडर है, एप्सम सॉल्ट है, ये NPK है फ्रेंड्स और ये है DAP। आपको क्लियर दिख रहा होगा, ये छोटे छोटे से दाने हैं। आप बोलोगे कि DAP डाल उस प्लांट में डालते हैं जिसमें फ्लावर वगैरह आते हैं, तो फ्रेंड्स मेरी एक फ्रेंड ने मेरे पास पिक भेजी है इस वाले प्लांट की, वो प्लांट इसी जैसा था, बिल्कुल सेम ही था, मुझे तो सेम ही लगा कि दीदी देखो इस पर फ्लावर आ रहे हैं, और फ्रेंड्स सच में उस पर फ्लावर आए थे। तो मैं भी इसीलिए मैं आज इसको बड़ा पॉट दे रही हूँ, रिच सॉइल वाला पॉट दे रही हूँ, खाद वगैरह सब टाइम से दूंगी ताकि मैं देखूं इस वाले प्लांट में फ्लावर आते हैं या नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं इन सारी चीज़ें जो जो मैंने आपको बताई है, उन सब का एक अच्छा सपोर्टिंग मिक्स बनाकर इसमें फिल कर लेती हूं और प्लांट लगा लेती हूं। सारे दो जगह प्लांट मुझे लगाने हैं, एक मैं इसमें लगाती हूं और एक एक्सपेरिमेंट करके देखती हूं सीमेंट वाले पॉट में, क्योंकि मेरे पास प्लांट आई थिंक यहां पर 7-8 प्लांट है, तो एक ही जगह सबको लगाना ठीक नहीं समझ रही, तो दो पॉट में लगाऊंगी, एक उसमें लगाऊंगी, फिर देखते हैं कि कौन सा अच्छा चलता है। तो मैं सब कुछ पॉट में भर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें प्लांट लगा लिए हैं अपने, सेट कर दिए हैं, अब इसके ऊपर मैं मिट्टी फिल कर देती हूँ और पीछे वाले पॉट में भी अपने प्लांट लगा लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने दोनों प्लांट अच्छे से सेट कर दिए हैं, इस वाले पॉट में मैंने अपना ये प्लांट भी लगाया है और साइड में यहाँ पे सदाबहार भी लगा दिया है। तो दोनों प्लांट में हम वाटरिंग कर देते हैं। फर्स्ट टाइम जब भी आप वाटरिंग करें किसी भी प्लांट को रिपोर्टिंग करने के बाद, तो बिल्कुल अच्छे से पानी डालना है ताकि हमारा पानी नीचे से ड्रेन आउट हो जाए, जहाँ भी हमने इसका होल बनाया है वहाँ से, तो बहुत अच्छे से हमें वाटरिंग करनी है। सेकेंड टाइम जब भी आप वाटरिंग करें फ्रेंड्स, तो ये देख कर करें कि हमारा प्लांट की मिट्टी जो है वो सूख गई है, ड्राई हो गई है या नहीं, ठीक है।
और मैं अगर इसके सन की बात करूँ तो पहले ही बता चुकी हूँ इंडोर प्लांट है, बट मेरे टेरेस पर भी काफ़ी आराम से चलता है, तो आप भी इसे कहीं भी रख सकते हैं, सभी जगह ही आराम से चलता है मेरे हिसाब से। तो फ्रेंड्स, अगर मैं इसमें फर्टिलाइज़र की बात करूँ तो लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं बहुत सारे डालती हूँ, आप मेरे चैनल पर जाकर देख लेना। इस वाले प्लांट के लिए एलोवेरा का लिक्विड फर्टिलाइज़र बहुत सारे हैं, क्या क्या नाम बताऊँ मैं, एलोवेरा का है, वेस्ट चावल और दाल के पानी का है, और मैं जो भी बनाती हूँ, सरसों की खली का, नीम की खली का, या फिर मैं पत्तियों में मैंने वो जो बताया है एंजाइम का भी आप डाल सकते हो, या फिर आप वाइट विनीगर का भी डाल सकते हो। कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे लिक्विड फर्टिलाइज़र आप इसमें 10 से 12 दिन का गैप देकर देते रहिए, ये बहुत अच्छे से चलेगा। खाद की अगर मैं बात करूँ, वैसे तो कहा जाता है कि साल में 2 बार खाद देना चाहिए, फरवरी में और अक्टूबर सितंबर में, बट मैं हर महीने अपने सभी प्लांट्स में मुट्ठी भर के 1.5 से 2 मुट्ठी मैं खाद डालती हूँ, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, पत्तियों की खाद, गोबर की खाद, जो भी आपके पास हो फ्रेंड्स, आप वो सब कुछ डाल सकते हो, ठीक है। और प्रोपगेशन मैंने आपको बता ही दिया है, कटिंग से भी ग्रोथ हो जाता है, आप प्लांट लेकर भी ग्रो कर सकते हो। और फ्लावरिंग देखते हैं इसमें फ्लावरिंग आती है या नहीं आती है, इंडोर प्लांट है, प्यूरीफायर भी करता है हमारी हवा को, जिसे हम दिन रात सांस के रूप में ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मैं कुछ बताना आपको भूल गई हूँ तो मुझसे कमेंट करके पूछ लेना। अभी हाल फिलहाल की मैं अगर मैं बात करूँ तो मैं इसे बिल्कुल ऐसी जगह रखूँगी जहाँ बिल्कुल भी जरा सी भी सनलाइट इसके ऊपर टच ना करे, और जब मुझे लगेगा कि हाँ इसमें ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, तो जैसे मैंने बाकी सारे प्लांट कुछ इंडोर रखे हैं कुछ आउटडोर रखे हैं, तो इसमें से एक पॉट में अपना इंडोर रख लूँगी, एक आउटडोर रहेगा टेरेस पर। तो आने वाले वीडियो में मैं इसका अपडेट आपको ज़रूर दिखाऊंगी। आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। और बहुत तेज़ धूप है, अब टेरेस पर नहीं रुका जा रहा है, तो ओके फ्रेंड्स, बाय।